भारत की एक ऐतिहासिक और बहुत ही खूबसूरत अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। एक्चुअली इस नाम के पीछे पीएम मोदी का अपना विजन, जो भारत को औपनिवेशिक प्रभावों से मुक्त करने का रहा है। तो चलिए आज जानते हैं इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में और इसके पीछे की पूरी कहानी। पोर्ट ब्लेयर सिटी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एंट्री पॉइंट है। पोर्ट ब्लेयर का नाम पहले आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। आर्चिबाल्ड ब्लेयर एक नेवल सर्वेयर और बॉम्बे मरीन के लेफ्टिनेंट थे। ब्लेयर अंडमान आइलैंड का संरक्षण करने वाले पहले ऑफिसर थे। 1778 में वो पहली बार अंडमान के सर्वे पर आए और यहाँ के नेचुरल बंदरगाह का नाम पोर्ट कार्नवालिस रखा, जिसे बाद में बदलकर पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन आइलैंड्स का इस्तेमाल समुद्री लुटेरों को रोकने और युद्ध के समय में यहाँ रुकने के लिए किया करते थे। धीरे धीरे इस आइलैंड्स का इस्तेमाल इंडियन प्रिजनर्स को काला पानी जैसी कठोर सजाएं देने के लिए किया जाने लगा। हालांकि दिसंबर 1792 में कुछ स्ट्रैटजी के तहत पूरी कॉलोनी को अंडमान के उत्तर पूर्वी हिस्से में नए रूप से स्थापित पोर्ट कार्नवालिस में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन गंभीर बीमारी फैल जाने के कारण और लोगों की मृत्यु होने के कारण से इस नई कॉलोनी को अधिक समय तक टिका नहीं सकी। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1796 में इस कॉलोनी को बंद कर दिया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर को एक बड़े जेल के रूप में तब्दील कर दिया। यहाँ पर काला पानी जेल बनाई गई, जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को जीवन भर यानी कि उम्र कैद की सजा दी जाती थी। उनमें से कई को फांसी तक दे दी गई, जबकि कई बीमारी और डिग्रेडिंग कंडीशंस की वजह से मर गए। वीर सावरकर और बटुकेश्वर दत्त जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ अपनी सजाएं भुगती थी। इतिहास के अकॉर्डिंग 11th सेंचुरी के चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने अंडमान द्वीपों का इस्तेमाल श्री विजय साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए किया था। यह साम्राज्य वर्तमान इंडोनेशिया में स्थित था। थंजावुर के अभिलेखों को देखने से ये पता चलता है कि चोल वंश ने इन द्वीपों को मां नक्कवरम कहा करते थे, जिसका मतलब होता है महान खुली भूमि। चोलों का श्री विजय पर आक्रमण इंडियन हिस्ट्री की एक अनोखी घटना थी, जो भारत और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के शांतिपूर्ण संबंधों में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। यह था पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम बनने की कहानी और इसका ऐतिहासिक महत्व। यह बदलाव सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि हमारी विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति सम्मान का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।